नमस्कार, जोहर, सलाम, आदाब। आप पे ललतना मुंडा रे टीवी यूट्यूब चैनल लल से करे आ पे तिन आज तेना आ चैनल का पे सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब तब पे साथ रे बेल घंटी रे छी नहीं जुए इना होता आलो ट्रेडिंग से बनल से वीडियो लेन के इस थिंग इना को जगह रे जी बिर चिन्ह तना इन रे बारे होडिंग विस्तार न तो जगह रे जब बाइबल रे पुनर्धान रे शब्द को इस्तेमाल की देखो जो कि जी उठाया मैंने बाइबल रे जिगरे रे नाम जताबो जो कि पुनर्धान रिया इन चीज को आओ कि इना भाषा ते को इस्तेमाल किया इना भाषा को आओ कि अनास्तासिस भाषा को इस्तेमाल किया यूनानी शब्द रे अनास्तासिस लुतुम इना के हिंदी रे पुनर्धान को आओ कि और जो कि पुनर्धान रिया मुंडारी रे इना एको ट्रांसलेट किया जी बिरी और पुनर्धान या फिर अनास्तिस रिया मतलब इतना उठ के खड़ा होना या फिर दोबारा अपनी जिंदगी को खाना बटी को आते बिरी रूड़ या फिर आया तायम हुलंग जिंदगी आया तायम जिनित नाम इना के मतलब रिया था इतना अनास्तिस उखना जी पुनर्धान। लेकिन आज रिया तारीख रे बाइबल रे पुनर्धान या फिर अनास्तिस रिया मतलब जी उठना इन लेखक को जगह एन लेखक का जी एन तो आबू तिसिंग नियर या बारे घोड़ी बिस्तान होते वो जगह आबू अन चैनल माध्यम आते। जब एक व्यक्ति मरे हुओं से जी उठता है जब मोयन भड़ो गुयाकन को आते जी बिरदो तो वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी को पाता है एन दो इनी आया एन पुराना जिंदगी नमरूड़ है। जो उठ के खड़ा होता है अपने समाज अपने रीति रिवाज के हिसाब से जो अपने उस कर्म के कारण वो समाज से बाहर किया गया या फिर समाज के दायरे में नहीं रखा गया उस स्थिति में फिर से अपनी जिंदगी को पाता है ओड़ो तयम ते आया जिंदगी इनाम रूड़ है इना के उठ खड़ा होना पुनर्धान रहा मतलब इना के तना ना कि दोबारा जन्म लेना कागे ना कि दोबारा जी रूड़ा हुआ दोबारा जन्म रूड़ा हुआ। जब बाइबल रे बोले लिया पहला कोरंती 15:12-13 रे बोले लिया पहला कोरंती 12:15-13 रे बोले लिया जिना ओला करना। जब मसीह के बारे में प्रचार किए जाने लगे जब मसीह के बारे में प्रचार करने लगे कि उसे मरे हुओं से जी उठा गया तुम मुझसे कुछ यह कैसे कह सकते हो कि मरे हुओं से जिंदा किया जाएगा। अगर मरे हुओं को जिंदा नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब मसीह को भी मरे हुओं में से जिंदा नहीं किया गया है। एंड साफ तौर तो लगे ना सी पहला कुरंती 12:15-13 रे जब ले ले अब। लेकिन आज रिया तारीख रे तिसिंग रिया तारीख रे एन ले का प्रचार होता है एन ले का कजी होता है पुनर्धान ओकना सी अनास्तासिस रिया मतलब उठ के खड़ा होना अपनी जिंदगी को वापस पाना। लेकिन इना रगे इनका को ट्रांसलेट जिधर इनका को कजी देते सी वो यकन को आते जीत बृद्ध। लेकिन आज की डेट में भी बाइबल इसमें नहीं बताती है कि मारे हुओं से जी उठता है। जब पुनर्धान शब्द इब्रानी शास्त्र में पुराने नियम में पाया नहीं गया है। जब पुनर्धान शब्द पुरानी शास्त्र में इब्रानी शास्त्र रे एन पुनर्धान शब्द का नाम चना मैं दो। लेकिन इस शिक्षा की शुरुआत वहीं से शुरू हो गया नियर या एन लेकन कानाजी को इन दातगे अटेजना एन लेकन कानाजी रे एनटे को मूसा नबी ते अतगे अटेजना मिसाल ऐसे मिसाल के लिए होसे नबी के जरिए परमेश्वर ने किया गया परमेश्वर की वादा के द्वारा किया गया है। मिसाल के लिए होसे नबी ने परमेश्वर के वादा पर किया गया जैसे चिलके ची मैं उसको अधलोक के वंश से चुड़ाऊंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा यानी कि मृत्यु से उसको छुपकारा दूंगा एन एन साब दिया थे कि इन आते आओ कि जो कि होसे 13:14 रे उल्लेखन होसे 13:14 और आजूब 14:13-15 यशायाह 26:19 दानियल 12:2-13 इन तारे निया शब्द को इस्तेमाल किया। अच्छा एन दो तबे लोगों का पुनर्धान कहाँ होगा होड़ोहन कुआ जी बिंद्रित कुतारे होबावा इना बारे रे अबू विस्तार नोत भी तूने जी होड़ोहन कुआ बिंद्रित कुतारे होबावा लोगों का पुनर्धान कहाँ होगा। मरने के बाद कुछ लोग यीशु के साथ राज करने के लिए स्वर्ग में जी उठाए जाएंगे इना के ओल के दची दूसरा कोरंती 5:1 प्रकाशित हुआ क्या 5:2-10 प्रकाशित हुआ क्या 5:9-10 स्वर्ग में जी उठने को बाइबल पहला पुनर्धान और पहले जी उठाया जाना कहती है। इससे पता चलता है कि दूसरा पुनर्धान भी होगा प्रकाशित हुआ क्या 20:26 फिलिपियों 3:11 बाद में होने वाला या दूसरा पुनर्धान उनको होगा जो धरती पर जीवन पाएंगे बहुत से लोग इस पुनर्धान में फायदा पाएंगे और जीवन का मजा लेंगे भजन संहिता 37:29। बाइबल में स्वर्ग में जी उठना
इनागे को कजिकिदची पहला पुनरुदान और पहले जी उठाया जाना। इससे पता चलता है कि दूसरा पुनरुदान भिन्न होगा। नया थे चिलकेलो उतना नया थे ठोर उतना ची इटा जे बिदिर हो बावा चिलके हो बावा। जब कोई व्यक्ति या फिर कोई बंदा किसी गलत कर्म के जरिए अपने समाज अपनी कल्चर से वो चिपा रहता है आया एन लेकर एक्कन कजी कमी को करने तैना है। जब जीजस क्राइस्ट या यीशु मसीह एन लेकन कान्हा जी को ते माफ हुआ एन लेकन कान्हा जी को ते छुटकारा ना मिया है एन दो इनी ओडो मिसा समाज रे आया घोड़ो को लो एन लेकर दुप तिंगु दड़ी हुआ एन लेकर ते इनी है जीम भिनरित इन तार भी होबा। जब वो लल्ले रे तो परमेश्वर ने मारे हुए लोगों की जी उठने के लिए यीशु शक्ति दी है। योहन्ना 11:25 यीशु ने उन सभी को पुनर्दान करेगा जो स्मरण खबरों में है और उन्हें उनकी खासियत पहचान और यथास्थ उठाएगा। योहन्ना 5:28-29 जिन्हें स्वर्ग की आशा है उन्हें पुनर्दान होने पर एक अदृश्य या आत्मिक शरीर मिलेगा और जिन्हें धरती पर जीने की आशा है उन्हें एक सेहतमंद शरीर मिलेगा। ऐसे 23:24-35:6-6-1:15-42-44-50। लेकिन मैं तो अंज अब उन्हें पुनर्धान रिया एक सिंपल तरीका उद्भव हुआ कि पुनर्धान चिन्ह तना। मैं इस पुनर्धान का एक सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक समझने वाली बात मैं आपको समझाने की मैं बताने की मैं कोशिश करूंगा। इसी रिया तारीख पूरे ले रहे हो आज की तारीख में अगर देखा जाए कि हमारे लिए स्वर्ग पे दहना ओढ़ पे यानी कि जमती सारे सिरमाते जमती सारे सिंपल भाषा रे अगर वो कजीर दो आज की तारीख में भी हमारे बाबा अम्बेडकर साहब भी हमारे मानव जाति के लिए एक ऐसे संविधान बनाया है जो कि इंसान को उसे समझना फॉलो करना उस पर अनुसरण करना अर्जित वंचित जो वंचित रहता है वो उससे सजा मिलती है और कोई एन लेकर तैंतना है जो उसके हिसाब से जो रहता है वो अपनी नई जिंदगी को पाता है वो भी आज स्वर्ग की दहने ओर में बैठा है। बाबा राम साहब एन लेखा के अबुआ यीशु मसीह एन लेखा के नियम को कानून को क्रिश्चियनिटी एन लेकिन मानव जाति को अमेनते ची इनियो सिरमा रे सिंह बोंगा जमती सारे दुबकने। ये बात सच है कि आज भी हमारे बाबा राम साहब बाबा अम्बेडकर साहब अपनी ची संविधान कानून है उल्कि इनियो सिंह सिंह बोंगा जमती सारे दुबकने। जब आया कानून बाई किया थे आया एन लेकिन सभ्यता आमे आया लेकिन व्यवस्था बाई किया थे सिंह होड़ो उनको एन लेकर को संचालन थाना अगर इनारे ओ कोई का संचालन था इनी एन मुसिंग इन तात के विचारे विचार उड़ जाइए छी हम अन्य कानून रे काम से संतना इना मेंते हम के सजा जेल रे एन लेकन खटगरी रे मटो कोतना तिसिंग कियो इनियो एन लेकन विचार हुड़ंग रही जो जरूरत ने महा विचार तना सिरमा रे दुबकन थे जैसे जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह इनियो आयो सिरमाते होड़ोन को अमन विचार तना चिलका विचार तना जब आया सभ्यता रे आया कानून खादर रे एन लेकर काको संचलन तन को इनको क्यों इनको गे एन लेकर होरा रे एन लेकर संगति रे एन लेकर गलत तरह रे प्रभाव रे को टो होतना चेची और एन लेकर अखवा जिंदगी को नाश चला तिसिंग होई नी सिरमा चित्तन रे जमती सारे दुबकने। बाबा अम्बेडकर साहब जो कि संविधान बनाया है डैट अपोजिट एन लेकर गे यीशु मसीह मानव जाति को अमेनते मोइन बुगिन संविधान है भैया कहते बुगिन कानून है भैया कहते जो कि उसके दायरे में रहने से एन लेकर का जी कमी कहते एन लेकर ताइनो बाइनो कहते मोइन होड़हन आया मोइन बुगिन जिंदगी रे कुछ नसीब हो बावा है और एन लेकते आया जिंदगी बुगिन नमे है। मैं तो तीसरी रे तारीख रे आज की तारीख में कोई पुनरुदान या फिर उठ के खड़ा नहीं हो पाता है। उठ के खड़ा नहीं हो पाता है मतलब मरने के बाद वो व्यक्ति ऐसे काम ही नहीं करता है काम में नहीं करता है जो कि पिछले जिंदगी में उसे उसका संबोधित किया जाए या फिर उसको मनन ध्यान किया जाए इसीलिए वो आज मरे हुए के समान है मरे हुए के समान है। लेकिन एन लेकिन खड़ो को इंतम को जीत हुआ जब उसका नाना पोता उसका बेटी बेटी सब अच्छा कर्म करेंगे जब इतिहास लिखा जाएगा उस स्थिति में उन लोग को पुनः पुनर्धान पुनः जीवित किया जाएगा। एन मुसिंह एन को विरुद्ध एन मुसिंह को जी विरुद्ध अच्छी जब अकुआ नाना पोता को बुगिन क्रम या को बुगिन को कजी कमी एन मुसिंह जब इतिहास और लोग एन लेकिन जिगरे जिगरे हुआ एन समय रे इनारे या पुनर्धन उठ के खड़ा हो जाता है फिर से पुनः उसे दहने और बैठा दिया जाता है। और नए लेकर के नवा नवा जानकारी को बमुंडा टीवी चैनल इंडला को कहीं देना एन दुमारोड़ो मिस जोहार झारखंड जया दिवस।